Shri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai. Jai Sai Ram. Namaste dosto. Welcome to Samata Audio. मैं समर रॉय आपका होस्ट फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आज का जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स लेके फ्रेंड्स हम लोग पिछले कई हफ्तों में वेब्स के प्लगइन से कैसे हम एक प्रोडक्शन को मिक्सिंग करेंगे उसका कुछ नमूना हमने दिखाया था आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टेक्निक्स हमने आपको दिखाया ये आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे देखिए आज हम लोग वही काम करने जा रहे हैं वही प्रोजेक्ट में लेकिन प्रीमिक्स तो हम लोगों ने कर लिया है। आज हम करेंगे मास्टरिंग मतलब प्रीमिक्स को जो प्रीमिक्स करने के बाद जो मास्टरिंग होता है ये मास्टरिंग आज हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक प्रीमिक्स को वेब्स के प्लगइन से मास्टरिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम बाउंस करेंगे क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर जो है हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम डायरेक्ट मास्टरिंग टूल के दे नहीं सकते। आप देखिए इसका मुझे डायरेक्ट जो मास्टर ट्रैक जो है इसमें हम मास्टरिंग जो किट है वो किट दे नहीं सकते क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर है बहुत सारे ट्रैक्स यहाँ पर है। उसके साथ साथ अगर मास्टर में मैं आपका वेब्स का प्लगइन लगाऊंगा तो हो सकता है कि सीपीयू ओवरलोड हो जाए तो इसीलिए मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं उसी लेवल पे आप एक मिक्स कर डालिए जिसे कहते हैं प्रीमिक्स लेवल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले एडिटिंग में जाना पड़ेगा वहाँ जाकर आप सिलेक्शन कर लीजिए गाने का स्टार्टिंग से लेकर अप टू एंडिंग तक। इसके बाद आप आइए इसको बाउंस कीजिए। बाउंस करने के लिए जो कमांड आपको दिया जाता है कंट्रोल ऑल्ट बी इसमें आपको एक कमांड मतलब इसमें आगे पॉपअप विंडो आएगा ये पॉपअप विंडो आपको कहता है कि ये जो फाइल टाइप है ये वेब फाइल होगा और ऐड MP3 यहाँ पे है लेकिन इसको अनचेक कर दीजिए क्योंकि जब मास्टरिंग करेंगे वेब फाइल से हम लोग मास्टरिंग करेंगे कोई MP3 फाइल के ऊपर नहीं। और फॉर्मेट रहेगा इंटरलिप्ड मतलब स्टूडियो और बीट डेप्थ रहेगा 24 बीट और सैम्पल रेट आप रखिए 44.1 किलोहर्ट्ज़ क्योंकि ये जो गाना था ये जो गाने का प्रोजेक्ट हमने काम किया है ये 44.1 किलोहर्ट्ज़ सैम्पल रेट में रिकॉर्ड हुआ है और मिक्स भी हुआ है मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट का जो सैम्पल रेट बीट रेट है उसी बीट रेट के हिसाब से आप उसको बाउंस कीजिए तो एक स्टूडियो फाइल बन जाएगा प्रीमिक्स लेवल का। बाद में उसको लेके हम मास्टरिंग करेंगे। चलिए अब इसको बाउंस करते हैं। नाम दीजिए ऐसा कि गुमनाम जिंदगी और फोल्डर चूज़ कीजिए कहाँ पे आपको रखना है। फिलहाल मेरा जो काम करने वाला जो फोल्डर है उसमें मैं उसको सेव करता हूँ और बाउंस करता हूँ। जैसे मैं इसको बाउंस बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली बाउंस हो रहा है। बाउंस हो जाने के बाद आप क्या करेंगे ये जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है इसको क्लोज कर दीजिए नहीं तो और एक चीज़ कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जितने सारे ट्रैक्स हैं इस ट्रैक के नीचे आप एक नया ट्रैक ला सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे पहले आप यहाँ पे देखिए जितने सारे ट्रैक्स है इसमें जो प्लगइन्स लगा हुआ है ये सब प्लगइन्स क्या करता है यूजुअली CPU पावर खाता है तो इसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए मतलब इनएक्टिव कर दीजिए फिलहाल इनएक्टिव कर दीजिए। तो इनएक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा शिफ्ट कंट्रोल विंडोज तीनों को एक साथ दबाइए ये तीनों बटन को दबाने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए मैं सबको इनएक्टिव कर रहा हूँ और क्लिक करते जाइए मास्टर ट्रैक छोड़ दीजिए और ये सब ट्रैक बंद कर दीजिए। इसमें व्यू मीटर है सब कुछ मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। देखिए CPU यूज़र इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा ठीक है। तो जितने सारे प्लगइन्स हमने यहाँ पे दे रखा था
सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया। इसमें क्या होता है, सीपीयू में ज़्यादा पावर नहीं खाता है, सीपीयू में लोड ज़्यादा हो जाएगा तो सीपीयू प्रोसेस नहीं कर पाएगा ठीक ठाक से। अब क्या करना है, अब सिर्फ मास्टर ट्रैक को छोड़ दीजिए, बाकी जितने सारे ट्रैक्स है जो सिलेक्टेड है सबको हाइट एंड इनएक्टिव यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाइट एंड मेक इनएक्टिव कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, पूरा के पूरा जो अपना सेशन जो है सब कुछ ट्रैक हाइट हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब सीपीयू में आपका जो सीपीयू प्रोसेसर जो है बिल्कुल प्रेशर नहीं है अभी। इसके साथ आपको क्या करना है, आपको एक ऑडियो ट्रैक लेना है, तो इसके लिए आपको कमांड दबाना पड़ेगा शिफ्ट कंट्रोल एन, दबाने के बाद आपको एक स्टीरियो ऑडियो ट्रैक लेना है। जैसे ही लेंगे तो ये जो स्टीरियो ऑडियो ट्रैक है इसमें आपका जो प्रीमिक्स जो आपने बाउंस कर रखा था वही प्रीमिक्स फाइल इसमें आपको इंपोर्ट करना है। कैसे इंपोर्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल आई, इसके मतलब क्या, इंपोर्ट ऑडियो कमांड आएगा, आपको जाना पड़ेगा उसी जगह पे जहाँ पे आपने उसको बाउंस किया था। कहाँ पे बाउंस किया था, बाउंस फोल्डर में। चलिए उसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो ये देखिए बाउंस फाइल्स बोल के एक फोल्डर है, बाउंस फाइल्स, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए एक वेब फाइल है, तो इसको क्लिक कीजिए और कॉपी फाइल्स, डायरेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट फाइल जो है प्रोजेक्ट फाइल में वो कॉपी हो गया है। अब इसको डाउन कीजिए और यूज़ करंट फोल्डर दबा दीजिए, तो यही आ गया आपका प्रीमिक्स फाइल। अभी जो हमने ऑडियो ट्रैक लिया था ये हमको अभी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका ये फाइल आ गया, अभी इसको सुनते हैं और अपना जो मीटर जो है, मीटर देखिए, बीच में से चलाता हूँ ताकि आपको गाने का जो हाई एसपीएल जो है वो आपको नज़र आए। देखिए एक बार, तेरे वास्ते गुमनाम जिंदगी अनजान रास्ते है जो वही बात। तो मतलब हमारा जो प्रीमिक्स लेवल जो है इसका पिक लेवल -10 to -15 dB के अंदर ही है। अभी ये जो मास्टर ट्रैक जो है इसको इधर लाइए, मास्टर ट्रैक को 100% जीरो में छोड़ कर रखिए, उसको चलिए मत। और आपका जो ये जो प्रीमिक्स फोल्डर जो है, ये जो प्रीमिक्स फाइल है, ये प्रीमिक्स फाइल का जो फेडर आपने यहाँ पे देखा है, जो प्रीमिक्स ट्रैक जो है, प्रीमिक्स ट्रैक का जो फेडर है, इसको अब इसको भी आप ज़ीरो में रखिए। तो अभी व्यू मीटर यहाँ पे पहले से था लेकिन अब व्यू मीटर की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डिलीट भी कर सकते, नो इंसर्ट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या चीज़, एक है मल्टी चैनल ईक्यू जो एसएसएल आपको देता है, एसएसएल चैनल, ओके एसएसएल चैनल, इसमें आप एक कर सकते हैं एसएसएल ईक्यू, इसको ले लीजिए तो ये आपको काम आएगा। नहीं तो आप और भी एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से मास्टर पे क्या देंगे ईक्यू में, एसएसएल जी चैनल ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऐसा कुछ प्लगइन्स आएगा जिसमें आपको गाने का, आपका जो गाना यहाँ पे आपने प्रीमिक्स कर रखा है इसका थोड़ा सा टोन आप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मतलब ईक्यू करते वक्त आपको अपना टेस्ट के हिसाब से ईक्यू करना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कौन सा प्लगइन्स आप ले सकते हो, हो सकता है कि इससे भी और भी कोई दूसरा कोई अच्छा आपको प्लगइन्स मिले उसको वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वेब्स का प्लगइन से मास्टरिंग करने का जो तरीका है 100% ना हो लेकिन 90% इंजीनियर्स एसएसएल ईक्यू को यूज़ करते हैं इस मामले पे, मतलब मास्टरिंग के मामले पे 90% लोग एसएसएल ईक्यू इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ईक्यूस को ध्यान दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, आपको बाद में अपना जो खुद का प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये जो तरीका है इसको ट्राई करना पड़ेगा। देखिए आपका प्रोड्यूस का जो
मीटरिंग है, इसको क्लासिक प्रोटूल्स क्लासिक में लाइए तो आपको 0 dB जो है, ये 0 dB दिखा दे रहा आपको, आपको 0 dB तक पीक लेवल आपको साफ साफ दिखाएगा और ये पीक लेवल के हिसाब से मेजर होता है। चलिए अभी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए फिल्टर है यहाँ पे, यह है डायनामिक्स, तो फिल्टर सेक्शन ये जा रहा है हाई फिल्टर, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, बाकी का फिल्टर यहाँ पे है और ये है डायनामिक्स के लिए, जैसा कि आपका कंप्रेसर, लिमिटर और थ्रेशोल्ड सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, एक्सपेंडर भी है साथ में, हाई मिड फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, लो मिड फ्रिक्वेंसी, मतलब आप ये सोच सकते हो कि लेफ्ट साइड जो है आपका फिल्टर्स मतलब EQs के लिए है और राइट जो सेक्टर है ये है आपका डायनेमिक्स मतलब कंप्रेशर और एक्सपेंडर के मामले पे ये सब चीज़ है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका साउंड कैसा होना चाहिए और आप किस तरह से इसको मतलब थोड़ा सा ट्यून अप करेंगे। चलिए हम कुछ करते हैं, आप देखते रहिए। फिल्टर की तरफ से आप एक काम कर सकते हो कि जैसे कि हाई पास फिल्टर है यहाँ पे और उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी बोले तो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का गेन एंड इसका गेन और इसका फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे कि मैं यहाँ पे गेन दे रहा हूँ, मतलब इसका हाई फ्रीक्वेंसी का गेन, मैं यहाँ पे गेन दे रहा हूँ हाई फ्रीक्वेंसी का और उसके साथ साथ आप इसको बूस्ट भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कौन सा फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चाहिए आपको, तो इसका मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी क्यू मतलब फ्रीक्वेंसी आप तय कर सकते हो और उसी फ्रीक्वेंसी का गेन भी आप दे सकते हो या घटा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अभी HMF हाई मिड फ्रीक्वेंसी, चले हाई मिड फ्रीक्वेंसी की तरफ देखिए, ये आपका है गेन बूस्ट कर रहा हूँ मैं हाई मिड 3 dB का और हाई मिड फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी क्यू जो है 3 से लेके 4 kHz तक हम लेके जा रहे हैं 4 kHz और इसका विड्थ मतलब आपका जो क्यू है अब हम क्यू करते हैं क्योंकि यह है क्यू बटन। नाम जिंदगी अनजान रास्ते, तो लेफ्ट खींचने से आपका क्यू पॉइंट जो है थोड़ा वाइड होगा, राइट में खींचने से थोड़ा नैरो हो जाएगा, तो हमको थोड़ा सा वाइड रेंज का मिड रेंज चाहिए, वाइड रेंज वाला मिड रेंज, तो इसको हम थोड़ा सा लो करते हैं ताकि हमको वाइड मिले मिड फ्रिक्वेंसी में, हाई मिड फ्रिक्वेंसी में हमको थोड़ा सा वाइड रेंज मिले। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, लो फ्रीक्वेंसी 50 Hz से लेके हम 75 Hz तक गए फ्रीक्वेंसी को और इसका जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट जैसे है मान लीजिए कि 1 रखते हैं क्यू पॉइंट, ये आपको सुन के पता करना पड़ेगा कि चेंजेस क्या हो रहा है आपका साउंड पे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम किया ये बोल के आप भी आपका मिक्स में उसको थोड़ा सा कम करेंगे, ऐसा नहीं है, जैसा साउंड आपको चाहिए वो साउंड आप इसमें से आपको आ रहा है कि नहीं ये सब टेस्ट करना है आपको और उसके बाद उसको लागू करना है, तो मैं ये कर रहा हूँ और उसका थोड़ा सा गेन जो लो से गेन है थोड़ा सा गेन को बूस्ट कर रहा हूँ, तो पहले एक बार सुन लीजिए।
तो बिल्कुल अगर डाउन कर दूंगा तो साउंड क्या होगा? अब देख रहे हैं, थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इसमें हमको जितना चाहिए, जितना सा टाइट साउंड चाहिए वो टाइट हम कर सकते हैं इसमें से। अभी यहाँ पे हम आते हैं कि लो फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसी का फिल्टर कहाँ पे है, मतलब हम 100 हर्ट्ज से लेके जितने सारे लो फ्रीक्वेंसी है, अभी यहाँ तो 75 मान लीजिए, 75 हर्ट्ज से लेके हम लो फिल्टर काम लगाएंगे, क्योंकि 75 हर्ट्ज में हम लो फिल्टर को बैंड दे रहे हैं, उसके नीचे वाला जो जितना सारे साउंड है वो सब साउंड हमको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ऐसे हम इसे करते हैं, वेरी इजी। आप पहले बहुत बार ही ये सब कर चुके हैं, कंप्रेसिंग कर चुके हैं, ईक्यू कर चुके हैं, तो वैसे ही सिस्टम आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अब ये सब देने के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डायनामिक्स, मतलब आपका रेशियो पॉइंट, आपका थ्रेशोल्ड लेवल कितना रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। सुनते हुए सेट कीजिए। मुश्किल की बात ऐसा है कि जब आप 3.71 EQ में या कंप्रेसर में, प्रोड्यूस में, खास करके प्रोड्यूस में जब आप कंप्रेसिंग करते हैं या EQ करते हैं, उस टाइम आपको कुछ ग्राफिक्स सामने नज़र आता है, लेकिन इस जगह में आपको कुछ ग्राफिक्स नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कान में सुन के आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि आपको अगर ठीक ठाक से कंप्रेसिंग करना और EQ करना नहीं आता है तो आपके द्वारा ये मास्टरिंग का EQ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ये EQ करना और कंप्रेसिंग करना। चलिए मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप जैसे देखते हैं। अभी जो हम यहाँ पे आए हैं ये है हमारा एक्सपैंडर सेक्शन, ये था कंप्रेसिंग सेक्शन, कंप्रेसिंग एंड लिमिटर सेक्शन, यह है एक्सपैंडर सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर ज़्यादा हम नॉइज़ लेवल ज़्यादा देंगे तो मुश्किल। अब देख रहे हैं चलते हैं यहाँ से। जब भी आप रोक देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो सिग्नल है उसको रोक देगा, गेट कर देगा। अभी इसको हम देखते हैं फोन का क्वालिटी क्या आया है। अभी चैनल आउटपुट देखते हैं, बराबर ठीक ठाक ही है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिया है, मतलब हमारा जो टोन था पहले, क्या टोन था सुन लीजिए एक बार, बाईपास करता हूँ उसको। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ठीक है, तो इसका जो चेंजेस है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
पता लग गया होगा। अभी इसमें ऐसे छोड़ दीजिए इसको, और इसका नीचे आपको देना पड़ेगा वेव्स का C6 बोल के एक चीज़ है, डायनेमिक कंप्रेसर जैसा है, लेकिन वो कंप्रेसर 100% कंप्रेसर नहीं है, डायनेमिक्स कंप्रेसर है वो, देख लीजिए भाई, C6। ये C6 वाला जो है ये स्टीरियो है, ये स्टीरियो ले लीजिए आप। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत कुछ है, देखिए हर एक बैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है, उसके बाद क्यू मिलता है, और उसके बाद ये है क्रॉसओवर, इसका भी लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्यू। अभी इसका फ्रीक्वेंसी भी है और क्यू भी है, लेकिन बिल्कुल बाजू में जाके देखिए, इसका भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। ये रो में जो है, इस सब रो में पर्टिकुलर बैंड का जो गेन, आप इसमें गेन दे सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये वाला जो गेन हम यहाँ पर रखा रखा है, ये है आपका मिड फ्रीक्वेंसी का सेक्शन, हाँ, लेकिन यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी का कौन सा सेक्शन दे रहा है, लो सेक्शन दे रहा है, इसका गेन आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है, यहीं से। और इस सीरीज में जितने सारे बटन्स हैं, सब गेन के बटन्स हैं। जब मान लीजिए इसको अब ठीक करेंगे तो इसको भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, है ना। तो अभी आपको जो करना है, एक एक करके आपको सुनना पड़ेगा। जैसे लो फ्रीक्वेंसी, इसके बाद है देखिए रेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, ये रेंज आपको यहाँ से ही कैलिब्रेट करना पड़ेगा रेंज को। उसके बाद अटैक रेट क्या रहेगा और रिलीज डेट क्या रहेगा, ये देखिए इसमें सब कुछ है। जैसे यहाँ पे आपका 5 बैंड मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बैंड है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 बैंड, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे अभी मैं इसको लेकर काम करता हूँ, इस बैंड को लेकर काम करूँगा, तो ये क्या क्या देगा हमको, मिड फ्रीक्वेंसी में कुछ काम करने के लिए हमको ये मतलब फैसिलिटी देता है। चलिए देखते हैं एक बार, इसको अगर आप क्यू बढ़ाना चाहते हो तो क्यू को बढ़ा सकते हो, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी की करने के लिए आप, जैसे कि अभी ये 1 किलोहर्ट्ज़ पर खड़ा है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दो, ऐसा कुछ जगह में 749 या 750, जहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंसी सुनने को अच्छा लगे वहाँ पे रख दीजिए। अभी देखिए इसके बाद हम कहाँ आएंगे, सोल तो कर लिया, इसका रेंज हमको देना पड़ेगा, रेंज कितना है, मान लीजिए रेंज दीजिए 3.2 रेंज दीजिए, और इसका थ्रेशोल्ड लेवल है, देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल जो यहाँ पे मीटर आ रहा है, यहाँ पे जो मीटर आ रहा है इसका थ्रेशोल्ड लेवल उसी मीटर के आसपास आपको जाना पड़ेगा। जैसे अच्छा इसका अटैक रेट क्या है, अटैक रेट थोड़ा सा फास्ट कीजिए, और रिलीज डेट थोड़ा सा स्लो कीजिए 200। ये सब कुछ मिली सेकंड में है रिलीज टाइम। तो आप देखिए पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो रेंज है उसी हिसाब से वो डायनामिक्स मतलब स्प्रिंग की तरह खेल रहा है, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, देखिए लो में आ गए, तो ये है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का जो है इसका भी आप थोड़ा सा गेन बढ़ा भी सकते हो, और इसका जो रेंज है रेंज को 4 कर दीजिए 4 ऐसा कुछ चलेगा, और इसका अटैक रेट थोड़ा सा कम। अभी इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है थोड़ा सा नीचे लाके देखिए क्या ऐसा रहता है, तो अभी आपको क्या मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या सुनेंगे, ठीक है, तो इसको अब गेन भी दे सकते हो,
उसके बाद इसका रेंज भी सेट कर सकते हो, रेंज सेट कर दो कम से कम 10 में, तो देखते हैं, सेट कीजिए -4.3 ऐसा रेंज दे दीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद जब हम C6 में हमारा काम जब ख़त्म हो जाएगा तो C6 को एक हद तक हम वॉल्यूम देंगे यहाँ पे मास्टर आउटपुट पे, ताकि यहाँ पे रेड सिग्नल ना आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो मीटर है, मीटर में नाप के देख लेंगे, अगर हमारा जो आउटपुट हम दे रहे हैं वो सही में मास्टर लेवल तक जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमको पता है कि WLM लेना चाहिए, वेव्स का लाउडनेस मीटर, ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा। और आपको ऐसा एक चीज़ मिलेगा, सिर्फ गाना को बजाते रहिए और इसमें हिट कीजिए, ये आपका लाउडनेस जो है, लाउडनेस यूनिट फुल स्केल LUFS -14 या -15 या -13, इससे अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, यहाँ भी हिट करते हैं, आप देखिए आपका वैल्यू -16 के आसपास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो हाईएस्ट पिक लेवल -0.2 dB दिखा रहा है। इस जगह थोड़ा सा आवाज तेज है तो इस जगह को चेक कर लेते हैं, शायद इस रात की कोई सुबह भी है नहीं, तुम नाम जिंदगी आ गया -14 पे। तो आ गया -14 पे, इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेटिंग जो यहाँ पे किए हम लोगों ने 100% करेक्ट सेटिंग था। और इस सेटिंग में आप अगर इसको एक्सपोर्ट करोगे मतलब मास्टर एज ए मास्टर फाइल के हिसाब से, तो ये 100% गुड साउंड करेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, याद रखिए कि आप यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे जो प्लगइन्स आप दे रहे हैं, ये प्लगइन को लेकिन ठीक ठाक से यूज़ करना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे इतना शार्पनेस दिया और इतना मिड फ्रिक्वेंसी लगाया तो आपको भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो साउंड को अच्छा सुनाए, जिस टोन पे आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा एक टोन दे रहा है, तो उसी टोन के ऊपर आपको C6 ये जो प्लगइन्स है ये लगाना है वेब्स का, ये एक मास्टर प्लगइन्स है ऑल्सो। और उसके साथ साथ ऊपर में आपको देना पड़ेगा जी चैनल, इसको आप लगा सकते हो, उसके नीचे C6, ये वाला C6, और सबके नीचे आपको मीटरिंग करना है जो है WLM वेब्स का, ये भी आपको मीटरिंग करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम आउटपुट जो जा रहा है ये -14 LUFS में होना चाहिए। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखते हुए बाकी सबको बैलेंस करके मिक्स करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मास्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ नया टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।